फर्ज कर लें कि तैयब जयान के पास है, तो जयान जो है उससे पहले जितनी पार्टी है उसको हम प्रायर पार्टीज कहते हैं, यानी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले जिसने भी इंडोर्स किया है, ठीक है, जो भी इंडोर्सर्स था कहीं था, तो वो सारी मेकर था या ड्रॉयर था, वो सारी प्रायर पार्टीज में आ जाती है। जी खुशी बेटा, प्रिविलेज में प्रायर टू पार्टीज, तो वो बात वही आ गई ना कि प्रायर पार्टीज होल्डर इन ड्यू कोर्स को लायबल है सारी। आप ये नहीं कह सकते, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमने हाजी साहब हाजी साहब कहना है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट लिया है उसको मुफ्ता मिला था, या जिससे लिया है वो माइनर था, या जिससे लिया है वो इंसॉल्वेंट हो गया, या जिससे लिया है ठीक है वो अनसाउंड माइंड का था। तो ऐसी किसी भी सूरत में प्रायर पार्टी जो है, यानी अगर वो आप नहीं कह सकते तो आपका टाइटल डिफेक्टिव है। जी बेटा, हम शुरू करते हैं। बच्चे ज्वाइन तो काफी कर गए हैं लेकिन अभी काफी रहते भी हैं। कोई और किसी का कोई कंसेप्ट जो क्लियर ना हो तब तक पूछ लें, 2 मिनट दे रहा हूँ। पूछने पूछना चले, मैं पूछ लेता हूँ। ये बताएं, तला जिस मोहल्ले में रहता है वहां एक माइनर था, उससे उसने कांटेक्ट किया कि वो उसको यूं समझ ले कि उसको बेड देगा सोने के लिए, ठीक। अब तला ने उसको बेड दिया सोने के लिए। अच्छा, तो दो बातें, एक तो नॉर्मल चारपाई थी, एक बड़े हाई किस्म की जो है हाई फाई क्वालिटी का सोफा सेट, नहीं सोफा नहीं, मेज कह सकते हैं, पलंग दिया। तो जो उसने चारपाई दी है वो 2,000 की है और पलंग जो है वो 5,000 का है। अब ये बताएं कि वो तला, अब उस बच्चे की जो है ये बताएं, पैसे ले सकता है नहीं ले सकता, और ले सकता है तो कैसे ले सकता है। ये 5 क्वेश्चन है, साहब जल्दी से देखता हूँ कौन बच्चा पिक करता है। भी कोई
शाबाश। नहीं, नेसेसिटीज के लिए है, बस ही नेसेसिटीज के लिए है। कंटेक्ट विद माइनर्स इनवैलिड, लेकिन नेसेसिटीज के चार बातें मैंने बताई थी। अमना बेटी के लिए रिपीट कर दें, तला एक माशे में रहता है, वहां एक माइनर से उसका कंटेक्ट हुआ है। डिपेंड्स, हम क्यों कर लेते हैं कि माइनर से अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसके गार्डियन के थ्रू हुआ है या डायरेक्ट हुआ है, दोनों समझ लें। तो वो उसको चारपाई पहुंचानी थी, एक चारपाई नॉर्मल है 2000 की और एक है पलंग 5000 का, उसने दोनों दिए हैं, ठीक। तो वो पैसे उस कैसे लेगा और कितने लेगा, जी। आधा जवाब तो आपने सही किया, ये आमना सदाकत द ग्रेट उसकी स्टेट से लेगा और 2000 लेगा, उसकी प्रॉपर्टी से लेगा, स्टेट से लेगा एक और 2000 लेगा। गुड, वेरी गुड। उसकी स्टेट या प्रॉपर्टी से लेगा और 2000 लेगा। बच्चे साथ साथ जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। हम अब शुरू कर लें, बच्चे काफी हो गए हैं माशाल्लाह से। जी हमने चैप्टर जो है शुरू करना है 22, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले था सिर्फ पार्टीज टू नेगोशिएशन, अब है जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी फर्दर नेगोशिएशन, यानी वो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट आ गए, फर्दर ट्रांसफर कैसे करें। नेगोशिएशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोसेस बाय विच द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट वेट फॉर मैच्योरिटी बट ट्रांसफर इट टू हिज क्रेडिटर टू क्लियर हिज डेब्ट्स। जी नेगोशिएशन में भी ट्रांसफर बाय नेगोशिएशन या असाइनमेंट। जी यानी जो हमने खेल खेला था कि अगर इंस्ट्रूमेंट किसी ने बनाया है, हमने दो तीन नाम दिए थे यहाँ पे,
को नाम याद है, मेरा पहला जयान की कहानी थी जी। जयान ने जावाद से फ्रिज खरीदी थी और कहा था वलीद से पैसे ले लेना। अब यहां तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब जवाद ने पैसे तो 3 महीने बाद लेने थे और उसको मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, ठीक है, उस्मान से लिया मोटरसाइकिल और उसको इंडोर्स कर दिया। इज इट ओके? यही हमने डिस्कस किया हुआ था ना बेटा? ओके, यानी वो पेमेंट का इंतजार नहीं करता, 3 महीने 4 महीने टाइम है तो वो उसको आगे इंडोर्स कर देता है, जिससे सामान लेता है उसको, यानी अब वो उसका क्रेडिटर है तो उसको इंडोर्स कर देता है, ठीक है, उससे कोई चीज दे देता है। अच्छा, अब आ जाए इसमें कोई क्वेश्चन है पूछने है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ट्रांसफर बाय नेगोशिएशन, व्हेन अ पार्टी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। यानी किसी को आप ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे जवाद ने पैसे लेने थे, उसने ट्रांसफर कर दिया था उस्मान। As a result of negotiation, the holder will be entitled to receive the amount and sue for recovery. Only handing over of instrument to a servant for safe custody is not negotiation. अच्छा, आपने अगर सर्वेंट को सेफ कस्टडी के लिए दिया है तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनता है? जी आमना के अलावा कोई रिप्लाई करे? अच्छा, सामा लिखते हैं, व्हेन होल्डर ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट द पर्सन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट देन कैन बी बिकम होल्डर। हाँ, अगर उसने कोई चीज बेची है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आएगा, और अगर चीज नहीं बेची मुफ्ते में मिला तो होल्डर कहलाएगा। जी हाँ, आमना बेटी और शेख उस्मान काफी दिनों से गायब थे, नजर आए हैं, मींस नजर का आएंगे, रिप्लाई सही किया है। दैट वाज स्क्रू इंस्ट्रूमेंट, गुड। जी हाँ, स्क्रू इंस्ट्रूमेंट, गुड। ऐसा ऐसा कंसेप्ट डेवलप हो गया बच्चों के, शाबाश। अच्छा, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद द इंटेंशन टू पास टाइटल टू द ट्रांसफर। यानी आप किसी पास ये फास्टी तौर पर रखवा रहे हैं, वो टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन आप जो इंडोर्स करते हैं उसका मतलब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल, गुड। मोड ऑफ नेगोशिएशन दो वेज है, एक है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दो मोड्स है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और दूसरा है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अच्छा, पहले बाय डिलीवरी पढ़ते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर कैन ओनली बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी। यानी अच्छा, ये बेरर के अलावा दो चीजें याद रखिएगा, अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर लिखा हुआ है या ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा कि आपने किसी ने साइन करके दे दिए हैं, आगे आपका नाम नहीं लिखा हुआ, ये दोनों सूरतों में ये जो है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी होगी, पेबल टू बेरर या ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, दोनों सूरतों में ये नेगोशिएबल बाय डिलीवरी होगी। लेकिन जब आप उसको साइन करके उसको नाम लिख के देते हैं पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है, केस पर्सन या उसका नाम लिख के देते हैं, तो फिर नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर कैन बी नेगोशिएटेड बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। द होल्डर मस्ट साइन हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन एंड डिलीवर टू द ट्रांसफर। इज इट ओके? ये सेम कहानी है, बेरर चेक की और ऑर्डर चेक की। किसी को कोई डाउट? ये हमने लिखी है सर ब्लैंक में भी तो देखें, ब्लैंक में तो आपको मिला ना कि जवाब आपने लिखा है, तो आपने ब्लैंक में तो आपको वैसे ही लिखा था, फर्ज किया जो है वो शेख उस्मान के पास था, उन्होंने कोई चीज खरीदी और आपको इंडोर्स कर दिया, बेरर है, वो इसी तरह साइन हुए हैं,
दरमियान में आपको साइन किया, और आप मजे की बात है कि फर्ज किया आगे तहरीम को इंडोर्स करती हैं, ठीक, अगर तो उसका नाम लिख के करके अपना साइन करती हैं फिर तो वो इंडोर्समेंट डिलीवरी होगा, लेकिन अगर वो बैनर लिखा हुआ था या पीछे किसी पार्टी ने ब्लैंक साइन किए हुए और आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक, तो अब आप आगे इसी तरह दे सकती हैं, वो भी बैनर में जाएगा ब्लैंक भी। कोई डाउट? ओके, जावेद बुखारी जी, जवाद जी बेटा, मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर इंस्ट्रूमेंट आपके पास बेरर है तो फिर तो सिंपल आप आगे इंडोर्स दे देंगे डिलीवरी, और अगर बेरर नहीं है या ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक भी आता यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको बकायदा सिग्नेचर करके उसको देना। और मोस्ट इसका नाम भी देते हैं। अच्छा, अब है ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, द ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी ट्रांसफर बाय असाइनमेंट बाय द रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। असाइनमेंट हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा एंडोर्समेंट है, लेकिन फिर भी असाइनमेंट के थ्रू आप अलहदा से डॉक्यूमेंट जो है बनाते हैं, जैसे फर्ज किया मैंने किसी से पैसे लेने आया तो वो पूरे डॉक्यूमेंट डिटेल से दूंगा कि ये चीज है, अथॉरिटी लेटर दूंगा, यानी सारी डिटेल दूंगा, तब असाइनमेंट होती है। इनके हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सर मेरे क्वेश्चन पहुंच नहीं रहे, वहां पहुंच तो रहे हैं, आप कौन है बेटा? जिनको बच्चा है कह रहे मेरे क्वेश्चन पहुंच रहे, मेरे पास तो आ रहे हैं क्वेश्चन बेटा। अच्छा जी, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। उसामा लिखते हैं सर, व्हेन होल्डर नेगोशिएट फर्दर देन पेमेंट पेस ड्रायर टू, जाहिर है जब आगे होल्डर को या होल्डर इन ड्यू कोर्स को देते हो तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा ना होल्डर या होल्डर, दो पे के लिए जाएगा ना लास्ट पार्ट। अच्छा आमना सदाकत, सर इसका मतलब क्या है कि नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी? बेटा इंस्ट्रूमेंट बेरर था, ठीक है, तो फर्ज किया मैंने आपसे कुछ चीज खरीदी थी और आपको इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर लिख दिया था, ठीक है, या अपना इंस्ट्रूमेंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज था तो उसमें बेरर लिखा हुआ है, क्योंकि बेरर ऑफ उसमें पहली बात है कि पी नोट तो पेएबल टू बेरर नहीं बनाया जाता, ठीक, लेकिन अगर किसी पार्टी ने आगे पेएबल टू बेरर लिखा है यानी एक से ज्यादा पार्टी हो गया, इनिशियली नहीं बनाया जाता लेकिन बाद में तो बनाया जा सकता है। तो आमना सदाकत बेटे मैंने कहा था कि आप बेरर या ऑर्डर, तो आपने किसी को और इंडोर्स कर दिया और बेरर कर दिया, तो ये बेरर के पास जब भी होता है वो आगे इसी तरह बगैर साइन के इंडोर्स करता जाता है ना बेटा। अच्छा मलक अब्दुल्ला लिखते हैं सर टेबल टू बेरर हमेशा ब्लैंक ही होगा या उस पे कोई प्रीवियस पार्टी का नेम? देखिए टेबल टू बेरर जब आप किया एक तो इनिशियल अगर शुरू में बना दिया
मैंने चेक फर्स्ट किया आपको दिया, आप जो समझ रहे अब्दुल मलिक अब्दुल्ला, मैंने आपको चेक दिया और उस पर लिख दिया पेएबल टू बेरर। अब वो 10,000 का चेक और पेएबल टू बेरर लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ। तो आप तहरीम बेटी से तहरीम आ गई, आज तहरीम से जाके चीज खरीदते हो उसको दे देते हो, नाम तो किसी का नहीं लिखा ना, पेएबल टू बेरर है। तहरीम तहरीम जो है वो जाके आगे उसामा से कोई चीज खरीद लेती है, उसको इंडोर्स कर देती है। इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसपे पेएबल टू बेरर लिखा हुआ है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें तो आपको इंडोर्स करने की सिर्फ बाई डिलीवरी होती है। कोई डाउट? मलिक अब्दुल्ला क्लियर है? आगे चलूं? सर दो बिल इंडोर्स, दो बार से इंडोरमेंट के बाद बिल आप पेबल बेरर बना सकते, एक दफा इंडोर्स होने के बाद भी आगे बना सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सारी आवाज में था वो माइक ऑफ था जी। तो जयान ने जवाब से कोई चीज खरीदी थी और कहा था कि वलीद से जाके पैसे ले लेना। ये इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया हुआ था, बहुत दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ पर जवाब पे ही है। अब जवाब के पास इंस्ट्रूमेंट है, अब जवाब अगर लिख देता है पेएबल टू बेरर, उस्मान का नाम नहीं लिखता, अब वो पेबल टू बेरर अब जवाद ने लिख दिया कि जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसको दे दीजिएगा। अब वो उस्मान का नाम नहीं लिखा, ठीक है, तो सिंपल डिलीवरी बाय डिलीवरी आ गया। इसी तरह उस्मान जिसको भी देगा आगे वो बाय डिलीवरी चलता जाएगा, बेरर हो गया। लेकिन अगर वो बेरर नहीं है और उस्मान को दिया था जवाद ने साइन करके, और उस्मान से आके नुजरत ने लिया, नुजरत ने आके अकबर को साइन करके दिया, तो जब साइन करके दिया है, ठीक है, उसके इस पर्सन को दे रही हूं, ठीक है, टू अकबर, अब ये नेगोशिएशन एंड डिलीवरी हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? ओके।
अच्छा ये बताएं कि कल कुछ सामान बारिश से बचने के लिए और कुछ दूसरा सामान था वो लाहौर के जो चेयरमैन जो है आपके आईसीएमए के, उन्होंने सामान खरीदा है और इत्तेफाक से वो शेख उस्मान सामान लेकर गए और उन्होंने कहा कि एक महीने बाद जाके कराची से उनके हेड ऑफिस से जाके पैसे ले लेना, ठीक, एक महीने बाद। शेख उस्मान का नाम लिख दिया। तो ये बताएं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा ये? यार सैल्यूट है आमना सदाकत पसंद से, सैल्यूट है। ये पी नोट कहलाएगा, ये पी नोट कहलाएगा। इज इट ओके? ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, ये पी नोट कहलाएगा। ओके जी, डिफरेंस में आते हैं। नेगोशिएशन, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस एक एक लेते हैं। नेगोशिएशन रिक्वायर मेड डिलीवरी ऑफ द बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वही कि अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ बेयर डिलीवरी, और अगर बेयरर नहीं है तो डिलीवरी और ऑफ एन ऑर्डर, यानी उसका आप साइन करके बकायदा नाम। Point out. Assignment requires a written document signed by the transferor, irrespective whether the instrument is bearer या assignment में बकायदा आपको अलग-अलग से written document, जिस तरह authority letter होता है, इस तरह अलग-अलग एक document बना के देने होते हैं कि इस person के मैं अपने rights को दे रहा हूँ। कोई डाउट? ओके, डिफरेंस नंबर टू। नोटिस ऑफ ट्रांसफर, in negotiation a notice of transfer debt is not required to be given to the debtor, yani jab aap endorse karte hain to roi ko notice dene ki zarurat nahi hoti, lekin assignment mein a notice of transfer of debt is required to be given to the debtor, lazmi isko notice dena padta hai। Koi doubt? दोनों क्लियर हैं? नो क्वेश्चन, इसका मतलब क्लियर है। ओके, थर्ड टाइटल, इन नेगोशिएशन द ट्रांसफरी टेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ प्रीवियस ट्रांसफर। होल्डर एंड ड्यू के पास हमेशा बेटर टाइटल आता है। In assignment, assignee takes the instrument subject to the defect of the title of transfer. याद रखिएगा, यहाँ पे आप खुद यानी instrument बेशक मालिक ही, लेकिन सारे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जो assignment आपको मिली है, ठीक है, assignment rights किए गए हैं, वहाँ आपके पास ownership basically नहीं आती। कोई doubt?
अच्छा मेरे ख्याल को क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं ही पूछ लेता हूँ। आमना सिद्धार्थ करिए होता ये आमना बेटा, हुआ ये था कि फसी है, फसी ने मुझसे एक ट्रक मंगाया था आमों का, मैंने आम भेजे थे 50,000 का, या फर्जी कर लीजिए 1,00,000 का माल था। अब वो कंट्रैक्ट हमारा, वो उसने कंट्रैक्ट लिख के दे दिया। अब मैंने इंडोर्स नहीं किया, मैं उसने कहा था कि आप जो है 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद पैसे ले लीजिएगा। अब इसमें मैंने किया कि, और उसने साथ ही कहा था कि इसमें कुछ मसले भी हैं, मैंने उसको लिख के दिया है कि अब मैं नहीं आऊंगा, मेरी जगह पे शेख उस्मान आएगा, मैं इसको अथॉरिटी लेटर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैं दे रहा हूँ अथॉरिटी लेटर, ना सी वैसे भी लिख दिया कि अब मेरी जगह ये आपसे पैसे लेगा, आप इसको पैसे दे दें, ये असाइनमेंट है। ये क्या है? असाइनमेंट, ठीक है, बाय असाइनमेंट। इसी तरह तरीम बेटी ने मैंने, अब देखो एक्शनेबल क्लेम जिस तरह था, ठीक, आप किसी को असाइन तो कर सकते हो, इंडोर्स नहीं कर सकते। तरीम बेटी ने 5 सब्जेक्ट की फीस दी थी लेकिन छोड़ दिया, अब उसने पैसे क्लेम कर दिए, ठीक। तो पैसे क्लेम किए और आमना आपसे कहती है कि मुझे ये आप फ्रिज दे दो और ये पैसे फिर आप ले लीजिएगा, अब बकायदा वो लिख के देगी कि मेरी जगह ये पैसे ये नहीं। तो जिस तरह एक्शनेबल क्लेम था वो इंडोर्स नहीं हो सकता, नेगोशिएट नहीं हो सकता, वो असाइन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने ये फंसी को ट्रक सामान भेजा था तो मैं आप राइट अपने किसी और को असाइन कर, या आप यूँ समझ लें कि जैसे मैंने अभी पढ़ाया, या आपके वहां के टीचर ना कोई, हम ले लेते हैं निदा ने पढ़ाया वहां पे, एक सेमेस्टर पूरा पढ़ाया है, ठीक है, उसकी पेमेंट थी, वो आप कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी जगह ये इस बंदे को पैसे दीजिए, ये अब असाइनमेंट, ठीक, बाय असाइनमेंट। तीसरे नंबर पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएशन। ये प्रिज्यूम की जाती है कि इसने इंस्ट्रूमेंट लिया है तो कोई ना कोई कंसिडरेशन दी होगी, अगर नहीं भी दी तो मुफ्ते वाला भी चल जाता है। लेकिन यहां पे देयर इज नो सच प्रिज्यूम्शन इन द केस ऑफ ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, यू हैव टू ऑलवेज Always you have to show that the consideration is there. यानी आपने बताना है, अच्छा जो नई बुक लिखी हुई है इसी की एक्सटेंडेड नई बुक है, उसमें आपका जुमला यूं लिखा हुआ है, the consideration has to be proved in case of, यानी आपको प्रूव करना बकायदा देना है कि ये मेरी कंसिडरेशन थी। यहाँ पे जो है नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में प्रिज्यूम की जाती है कि इसने कोई सामान दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बकायदा वो बिल, वो चीज, वो डिटेल सारी साथ देना होती है, ठीक, प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरी जो है स्लिप थी, ये पैसे थे, ये चीज। सो इन negotiation or transferee can sue the party in his own name, lekin assignment mein aap apne naam se sue nahi kar sakte. In assignment an assignee cannot sue the party in his own name. Yani jo tareem ne paise lene the 5 subject ke, agar wo aise wale nahi dete to wo jisko diya tha amna ko, amna apne naam se sue nahi kar sakti, wo aap fir usi ko bolega tareem जी। पांचों तफसील से पढ़े डिटेल से और फिर पूछे। ये बच्चे ने पूछा था रीम ने, इज एन असाइनमेंट सेम एज सेल। देखिए होता यह है कि सेल तो अमाउंट कंफर्म होती है, असाइनमेंट में अगर होता यह है कि अगर कोई डिफेक्टिव चीज है, जैसे
मैंने कहा था कि मैंने आम भेजा था, ट्रक भेजा था, अब वो बाद में कहता कि नहीं इसमें 5 पेटियां तो कम थी या खराब थी, तो जिसको मैंने असाइनमेंट की दी है उसको वो सेम कम अमाउंट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा असाइनमेंट में टाइटल बता दूं, सिंपल है बेटा हमने सहकत के, जब आप इंस्ट्रूमेंट आगे इंडोर्स करती हैं तो ऑर्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल बैलेट टाइटल मिलता है, ठीक, और वो आपके नाम से आगे इंडोर्स कर सकता है, सीव कर सकता है। असाइनमेंट में आपको टाइटल नहीं मिलता, आगे आपके लिए इंडोर्स करना मसला होता है। अच्छा ये बताएं, तहरीन बेटी ने बड़ा एक जो है अच्छा सा एक कुश्ता बनाया, यूं करें कि एक क्रीम बनाई है, ठीक है, जिससे रंग बहुत गोरा हो जाता है। आमना को उसने बताया है कि मैंने ऐसी क्रीम बनाई बनाई है, तो आप लेना चाहें तो ले रहे। आमना कहती है ठीक है, मेरे नाम से जो भी बंदा आएगा मेरा नाम बताएगा तो उसको दे दीजिएगा, एक बात। या आमना कहती है नहीं, मेरा भाई जो है नौमान आएगा उसको दीजिएगा, इज इट ओके। एक सूरत यह कि आमना ने कहा है कि मेरा नाम लेगा या लिख दिया है कि जिसके मैं ये क्रीम दे दे, जिसके पास भी ये रुका होगा चिट्ठी होगी उसको दे दीजिएगा, और एक सूरत में इसने कहा है कि नहीं मेरा भाई नौमान आएगा, इसमें बेरर कौन सा आएगा और आर्डर कौन सा आएगा? इसमें बेरर कौन सा आएगा और आर्डर कौन सा आएगा? जी शुक्र है आप लोगों ने, शुक्र है, गुड गुड गुड, जी हाँ शुक्र शुक्र। अच्छा इसी तरह आप दूसरा सिनेरियो समझिएगा कि हम यूं करते हैं कि तूबा ने और बच्ची नहीं है कोई, चले शुक्र है इतना तो आप लोगों ने पिक कर लिया। अब इसी को दूसरा समझिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जब आप खामोश हो जाते हैं या क्वेश्चन आप सही नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता है आपको सही समझ नहीं है। अच्छा अब इसी तरह यूं कीजिएगा कि नाम मैंने एक तूबा है, एक फौजिया बच्ची दरमियान में ऐसी नहीं है नजर आ रही। अच्छा चले हम यूं करते हैं कि आमना ने तूबा बेटी का 1 महीना मेकअप किया, आमना ने तुबा बेटी का 1 महीना मेकअप किया, और इसी तरह तहरीन का भी 1 महीना मेकअप किया। आमना सदाकत ने 1 महीना तुबा बेटी का मेकअप किया और 1 महीना तहरीन का किया। तुबा ने उसको कहा कि भाई मैंने पैसे लेने हैं, इसका नाम ले, चले फौजिया बेटी से पैसे लेने हैं जाके ले लीजिएगा। ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो है तहरीम वाला उसने कहा कि उसने भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, दे दूंगी आज दे दूंगी, लिख के दे दिए इतने पैसे मैंने देने हैं, ठीक। अब आमना खुद नहीं जा रही, उसने अपना
अलग से पेज पे लिख दिया है कि मैं बिजी हो गई हूँ, मेरे जगह फंसी आएगा और इसको ये पैसे दिएगा। ठीक, दोनों को पिक करो। अब क्या डिनर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे असाइनमेंट की बात कर रहा हूं। जो आमना के तूबा ने कहा था कि फौजिया बेटी से ले लेना, वो क्या था? मेरे पक्षे वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। ठीक, या तूबा के पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट था और वो आमना को इंडोर्स कर दिया, ये नेगोशिएशन हो गई, ये नेगोशिएशन हो गई। गुड, और तहरीम वाली क्या हुई? क्या मैं नहीं आऊंगी? मैं तहरीम वाली अमरा असाइनमेंट, शुक्र है आपने पिक करना शुरू। दैट्स, अब कुछ समझ आया या अब भी नहीं आया? और अब जब जो है फर्ज किया वो फंसी जाता है और तहरीम पैसे नहीं देती, क्या फंसी सीव कर सकता है? नहीं। ये सब समझ आ गई। गुड गुड, तो अब इसको 2 मिनट और दे रहा हूं। अब मेरा ख्याल काफी हद तक क्लियर है, 2 मिनट और देते हैं, उसको सुकून से पढ़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा परेशान हो। वैसे तो माशाल्लाह से रात को काफी बच्चे पूछते हैं, कोशिश तो करता हूँ सबको रिप्लाई हो जाए, लेकिन कोई एक आध रह जाए तो इसलिए माजर। तो बच्चे पूछते रहते हैं रात को, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, मैंने इसलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल देना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे डाउट हुआ था कुछ बच्चों को शायद समझ नहीं आ रही। तो ये बेरर और ऑर्डर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और नेगोशिएशन और असाइनमेंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यस सर, क्लियर। ओके जी, थैंक यू। अब आ जाए। अच्छा, फसी साहब का क्वेश्चन आया है, सर जब इंडोर्समेंट हो गई तो जिसे इंडोर्स किया है क्या वो इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर सकता है? जी नहीं, जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, या सबकी मर्जी या कॉन्सेंट से सारी पार्टी है, अगर यूं कर सकता है वरना नहीं कर सकता। डेट या टाइम या पैसे चेंज करेगा तो इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, फोर्ज इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। जी मलिक अब्दुल्ला, हैंड रेज किया, क्वेश्चन करें। मलिक अब्दुल्ला, हैंड रेज किया है, क्वेश्चन करें बेटा। मलिक अब्दुल्ला साहब, आपने मुसलसल हैंड रेज किया, क्वेश्चन करें। नो क्वेश्चन, ओके जी। अब आ जाए, हु मे नेगोशिएट? एवरी मेकर, ड्रायर, पेई और इंडोर्सी, एंड देयर देयर आर सेवरल maker, droi, payee, or endorsee, all of them jointly may negotiate an instrument, provided the negotiation and negotiability of such instrument as does not restricted by the express clause used in this instrument. Only lawful possessor can negotiate the instrument. Zahir hai, agar likha hua hai ki further nahi negotiate kar sakte, to phir to nahi kar sakte na. Lekin waise sare log aage endorse kar sakte hain. Payee, ड्रायर्स, मेकर, सारे कर सकते।
durability of negotiability. Negotiables can be negotiated by any person until payment. However, the maker, drawer, acceptor can negotiate it until maturity. ये थोड़ा सा टिपिकल है. ये वो सिचुएशन होती है कि जब नेगोशिएशन बैक हो जाए, वापस आ जाए किसी तरह, तो वो फिर फर्दर आगे इंडोर्स कर सकते हैं. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर नेगोशिएशन बैक हो जाए, वापस आ जाए, तो वो इंडोर्स हो सकता. विदाउट, लेकिन जब तक मेच्योरिटी है तब तक काम कर सकते हैं. सिंपल सा है. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें. अब आ जाए इंडोर्समेंट, फिर वही रिपीटेड डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, मैं देखूंगा क्वेश्चन तो नहीं किसी बच्चे का. कोई क्वेश्चन नहीं है. नो क्वेश्चन. ओके जी. जी, इंडोर्समेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंडोर्समेंट. ये ऊपर वही डेफिनेशन है. An endorsement means signing the negotiable instrument on the back of या face या thereof on a slip of paper called alone. And next there, यानी अगर वो instrument है, उसके साथ जगह है ऊपर, नीचे, back पे भी कर सकते हैं. जगह नहीं बची तो एक नया paper साथ annex कर सकते हैं. उस पे आप sign कर सकते हैं. The person making the endorsement is called endorser, and the person to whom the instrument endorses is called endorse. Good out. No question. हमारा सदाकत इंडोर्समेंट दोनों में हो. इंडोर्समेंट जब आप करते, हाँ इंडोर्समेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके जी, अब आ जाए एसेंशियल ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट. नंबर वन, इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर. वो साइन करेगा प्रॉपर. इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो इंडोर्स करेंगे, मेकर या होल्डर इंडोर्स करेंगे. इट मस्ट बी ऑन द बैक या फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर नेक्स्ट डेयर टू. सच अ स्लिप इज कॉल्ड एलोनेज. इट मस्ट बी मेड इन इंक. याद रखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. एंड इंडोर्समेंट इन पेंसिल और बाय रबर स्टैंप इज इनवैलिड, क्योंकि दोनों अरेंज हो जाते हैं. इंक होनी चाहिए. इफ द इंडोर्सर is illiterate person, he may endorse the instrument by affixing his thumb, angutha. लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई अंगूठा लगाएगा तो कोई दूसरा पर्सन उसको साथ अटेस्ट करेगा कि मेरे सामने इसने अपना अंगूठा लगाया है. In case of endorsement by affixing thumb impression, it should be attested by some party. जी, it must be made with the intention of transferring the instrument to the third person to give him a right to recover money. The intention must be clearly expressed thereon. It must be completed by delivery of the instrument. यानी साइन कर दिया, अब आप उसको डिलीवरी देंगे, यानी वो हैंड ओवर कर देंगे तो कंप्लीट इंडोर्समेंट हो जाएगी. जी, ये 9 पॉइंट है. स्कून से इनको पढ़ो, पूछो जो चीज समझ ना आ रही. Point number three, ठीक है जी, कर देते हैं जी. It must
पॉइंट सिंपल है बेटा कि जो पेपर है यानी जिस पे लिखा हुआ उसके सामने बैक पे कहीं भी जगह है तो साइन कर सकते हैं, ठीक। कोई जगह नहीं बची तो एक अलग से पेपर साथ अटैच करेंगे जिसको हम एलोनोजी कहते हैं, उस पे साइन कर देंगे। जी बेटा पूछिए, शाबाश, बी क्विक। अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेटा लिख दे, ओके। 9 पॉइंट्स हैं, सारे देख रहे हैं। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो ओके कर दे। ओके जी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा ये बताएं, चले इसको आगे लेके चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट, व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स्ड एंड डिलीवर्ड टू द इंडोर्सर, द ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन पासेस टू द इंडोर्स। काइंड ऑफ इंडोर्समेंट सबसे पहले है ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट वही इंडोर्समेंट जब आप ब्लैंक साइन कर देते हैं, विद द इंडोर्सर साइन इज नेम ओनली एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंडोर्सी, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक। दिस मेक द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। मैंने ऊपर बताया था के ब्लैंक में भी डिलीवरी, मतलब जब ब्लैंक है तो आगे डिलीवरी होती जाएगी एंड इट बिकम्स पेएबल टू बेयरर, ठीक। इट आल्सो कॉल्ड जनरल एंडोर्समेंट। कोई डाउट? ओके, अब आ जाए दूसरा है फुल एंडोर्समेंट। अब ये आएगी आर्डर एंडोर्समेंट। It is if the endorser, in addition to his signature, also adds the direction to pay the amount mentioned in the instrument tool or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full or special endorsement. Point out. सना जावेद, नो लिखा है, डाउट नहीं है या समझ नहीं आई है? क्लियर, ओके ओके। अब आ जाए पार्शियल इंडोर्समेंट। जी पार्शियल इंडोर्समेंट को बड़े सुकून से सुनिएगा क्योंकि इसमें केस स्टडी है। पार्शियल इंडोर्समेंट में याद रखिएगा केस स्टडी आती है। जब आप इनिशियल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें तीन, एक दो तीन चार लोग भी हो सकते हैं, ठीक। या जो अमाउंट, यहां पे हम फिलहाल पार्शियल इंडोर्समेंट कि अगर जिस पर्सन ने जो अमाउंट लिखी है, पहले देखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इंडोर्स फॉर ए पार्ट ऑफ अमाउंट
ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर उस पे अमाउंट लिखी हुई है फर्ज कर ले 20,000 और यहाँ पे कौन सी बच्ची है, तुबा बेटी सना को कहती है ये लिपस्टिक मुझे बेच दो या ये कोई क्या कोई और चीज बेच दो, और 10,000 की चीज है। ये नहीं हो सकता कि तुबा उसको बोले कि 10,000 के इंस्ट्रूमेंट आपको इंडोर्स करती हूँ, 10 मैं लेने जाऊंगी, ये पार्शियल इंडोर्समेंट नहीं होगी, इसको हम इनवैलिड कहेंगे। तुबा के पास इंस्ट्रूमेंट था 20,000 लिखा हुआ था, सना से कोई चीज खरीदती है बस गले सूट खरीदती है और कहती है कि 10,000 तो मैं इंडोर्स कर देती हूँ, 10,000 मैं जाके लूंगी, तो ये पार्शियल इंडोर्समेंट वैलिड नहीं होती, इनवैलिड होती। हाँ, अगर जो तुबा के पास इंस्ट्रूमेंट था और पैसे लेने थे उसने तहरीम से, तहरीम से पैसे लेने गई, 20,000 थे, तहरीम ने 10,000 दिए और कहा कि 10,000 मैं कुछ एक हफ्ते बाद दूंगी, अब वो 10,000 अमाउंट रिसीव हो गई, 10 बाकी है। अब तुबा चाहे तो सना को वो 10 चुके फाइनल 10 हैं, हालांकि 20 था आधे उसको मिल चुके हैं, अब जो रिमेनिंग 10,000 है वो सना को वो इंडोर्स कर सकती है। ये नहीं कह सकती, यानी इसके पास इंडोर्समेंट 20,000 की है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 20,000 उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कह सकती कि 10 के लिए तुम जाना 10 के लिए मैं जाऊंगी, यानी इसको पार्शियल इंडोर्समेंट कहते हैं, ये वैलिड नहीं है। हाँ, वहां गई तुबा पेमेंट लेने, तहरीम ने उसको 10,000 दे दिए, 10,000 रिमेनिंग है, अब वो जो रिमेनिंग है वो उसको इंडोर्स कर सकती है। अच्छा जी, जवाहर साहब कहते हैं सर वो ये कंट्रैक्ट तो कर सकती है कि जब पैसे मिलेंगे उसमें से कितने मुझे दे देना। देखें, ये एक फिजिबिलिटी है कि वो ये कर सकती है, जी बिल्कुल ठीक है वो कर सकती है, लेकिन वो तो उनके अपनी बहमी रजामंदी होगी ना कि वो ठीक है तुम जाना 20,000 10,000 का सूट है सारा इंडोर्स 20 कर देती हूँ, वो तो फिर पार्शियल तो हुई नहीं ना, वो तो उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, वो तो पार्शियल हुई नहीं, मकसद यह है कि इंडोर्समेंट पार्शियल नहीं। जी जावेद साहब, आप बहुत जहीन बच्चे हैं, बड़ा दूर का क्वेश्चन आया है, माशाल्लाह ठीक है। अच्छा सर, इसका केस स्टडी बता दें, वो यूं ही लिखेंगे ना कि ए जो है उसने एक पास इंडोर्समेंट दी, यानी आपका नाम लेंगे, आमना के पास इंस्ट्रूमेंट था, उसने जावेद बुखारी से कुछ चीज खरीदी, या वो ऊपर तुबा वाले रख लेते हैं, सेम नाम, नाम चेंज होंगे बाकी कंडीशन सेम होगी। तो बेटा जो जो अभी हमारा 31 अगस्त तक है, जो जो हमें टाइम मिला केस स्टडी साथ साथ चलाएंगे बेटा। No question? Okay. अब आ जाए, ये नीचे एग्जांपल लिखे हैं, ए होल्ड बिल फॉर आर एस 5,000, यानी पहले ऊपर ये पढ़े ना, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इंडोर्स फॉर अ पार्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इन अदर वर्ड्स अ पार्शियल इंडोर्समेंट विच ट्रांसफर द राइट टू रिसीव ओनली अ पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट is invalid. मैंने कहा था कि अगर 10 endorse करती है 10 नहीं करती तो invalid होगा. Whereas instrument has been paid partially, 10 उसको मिल गए हैं, कुछ पैसे मिल गए हैं, it can be negotiated for the balance provided the effect of part payment is noted on the instrument. यानी 20 में से 10 उसने दिए हैं और
10 उसमें कार्ड को सेलेक्ट किया, बाकी रिमेनिंग 10 है, अब वो इंडोर्स कर सकती है। ये एग्जांपल है। अब होल्ड ए होल्ड अ बिल फॉर आरएस 5000 एंड इंडोर्स इट इन फेवर ऑफ बी फॉर आरएस 2000 एंड इन फेवर ऑफ सी फॉर आरएस 3000 इज पार्शियल एंड इनवैलिड। ठीक है। The maker of note for our test will pay RS 7000 and fact is noted on the instrument. The remainder can, the holder can negotiate the note for balance. Yani baki jo amount rehti hai, wo aap kar sakte hain. Clear? Next week classes. मेरा ख्याल है 31 की छुट्टी है ना, तो हमारा मेरे ख्याल दो हो जाएंगी, तीसरी नहीं होगी, दो शायद हो जाएंगी। जी बेटा उम्मीद है दो हो जाएंगी। ओके क्लियर है। ओके अब आ जाए रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट सेम जैसे चेक था या इंस्ट्रूमेंट के, जब आप लिख देते हैं किसी आगे को इंडोर्स नहीं करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होती है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये पहले पढ़ चुके हैं दो तीन दफा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी जब आप लिख देते हैं, चलो जो नया बचा है, व्हेन इंडोर्सर बाय एक्सप्रेस वर्ड प्रोहिबिट द इंडोर्सी फ्रॉम फर्दर। जी अमना सदाकत आपने हैंड रेज किया, पूछे पूछे पूछे। राइट डे कोई ईद नहीं है बेटा, सैटरडे कोई ईद है। सैटरडे को ईद है, छुट्टियां गवर्नमेंट ने जो की हैं वो, हाँ जुम्मा, जुम्मा को ठीक है, हाँ हज है, फ्राइडे को हज है। तो इट्स मीन हमारी सिर्फ एक ही शायद क्लास होगी, अब वो भी हो सकता है ले या ना ले, ये ऐसे में की मर्जी, देखते हैं पूछ लेंगे। मेरा ख्याल है अगर हुई तो सिर्फ जो है हमारी थर्सडे की होगी, फ्राइडे सैटरडे तो वैसे ही छुट्टी है। मे बी के थर्सडे क्लास हो, मे बी ना। ओके तो ये रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट बताया था कि जब आप लिख देते हैं कि आगे रिस्ट्रिक्टिव है किसी को नहीं, तो फिर वो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कहती है, आगे आप मोस्टली इंडोर्स नहीं कर सकते। अब आ जाए कंडीशनल इंडोर्समेंट। जी जवाद बुखारी साहब, जी जवाद साहब, जवाब आपने हैंड रेस किया, बोले जी। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इसलिए करते हैं कि आगे फिर और झंझट ना बढ़े, या पहले बहुत हो जाती हैं, या किसी, क्योंकि आप सेफ्टी चाहते हो कि किसी और के आगे हाल ना हो, कोई और मसला खड़ा ना हो। ठीक है, जिस पार्टी के पास है उसी के पास ही रहे इंस्ट्रूमेंट, इसलिए आप रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी कंडीशनल इंडोर्समेंट एक चीज बता दूं, ये पढ़ लेते हैं लेकिन कंडीशनल इंडोर्समेंट ये नहीं है। ओरिजिनल जब हम पढ़ते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट, मेरी आवाज आ रही हो तो गौर से सुनिएगा, ये कंडीशनल इंडोर्समेंट यहां बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, लेकिन कंडीशनल इंडोर्समेंट ये नहीं है। कंडीशनल इंडोर्समेंट के ये तीन पार्ट्स हैं, सेंस रिकोर्स, फैकल्टेटिव, और एक जो आपका नहीं लिखा हुआ वो सेंस
फ्रेज, ये तीन पार्ट्स हैं इस कंडीशनल एंडोर्समेंट के। यहां जो लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं है, लेकिन हम चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कंडीशनल एंडोर्समेंट के तीन पार्ट्स हैं, सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट और सेंस फ्रेज एंडोर्समेंट। वो मैं समझाता हूँ, लेकिन बहरहाल कभी लाइफ में अगर कोई पूछ ले कि कंडीशनल एंडोर्समेंट, ये चलो कंडीशन अगर कोई रखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशन में आ जाती है सेंस रिको। ये जो फाइव है ना कंडीशनल एंडोर्समेंट, ये सिक्स सेवन और एक जो नहीं लिखा हुआ, ये इसके पार्ट्स हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है बच्चा? जी गुड। अच्छा, अब ये जो फरमाते हैं कंडीशन, जब आपको कंडीशन रखते हैं, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन बेसिकली ये वाली है, लेकिन इसको भी चले पढ़ लेते हैं। इफ द एंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सप्रेस पार्ट इन द एंडोर्समेंट मेक हिज लायबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, ऑल्दो सच इवेंट मे नेवर हैपन, सच एंडोर्समेंट इज कॉल्ड अ कंडीशनल एंडोर्समेंट। देखें, अगर वो कहते हैं कि देखें मैं कोई कंडीशन रख लें, यानी फर्ज किया शेख उस्मान कहते हैं कि भाई अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो पैसे दूंगा, या ऐसी कोई कंडीशन, या मींस कोई कंडीशन रख देते हैं, तो उसको हम कंडीशन एंडोर्समेंट कहते हैं। यहाँ यही पढ़िएगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो कंडीशन के नीचे आते। अच्छा, इन कंडीशनल एंडोर्समेंट द एबिलिटी ऑफ एंडोर्सर्स अराइजेस ओनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड, इफ सच इवेंट डज नॉट हैपन इन द स्पेसिफाइड टाइम द लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर्स कम टू एन एंड, द एंडोर्सर कैन नॉट क्लेम पेमेंट फ्रॉम प्रायर पार्टी, ही कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टी इन द आर्मेचर। यानी अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती और उसकी एंडोर्समेंट इनवैलिड हो जाती है, तो पिछली सारी पार्टी से वो पेमेंट नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ किस से लेगा, जो मैच ड्रॉई है, या एक चीज याद रखिएगा, जो मेकर होता है ड्रॉयर, वो ड्रॉयर हमेशा लायबल होता, ठीक। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आगे किस से ले सकता है, ड्रॉई से या मेकर से। ये सिंपल कंसेप्ट रखिएगा, ज्यादा जो फोकस करना है वो आगे इसमें आ जाए कि वो बेसिकली ये है ओरिजिनल कंडीशंस। कोई क्वेश्चन अगर इस दौरान पूछना चाहे तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, आगे चलता हूँ जी। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, All parties to the negotiable instrument are liable to the endorsement. Yani, normal rule kya hai, sare liable. However, when the endorser expressly excludes his own liability on the negotiable instrument to the endorsee or subsequent holder, in case of dishonor of instrument, the endorsement is known as sans recourse endorsement. इसका ओरिजिनल कंसेप्ट समझिएगा। फर्ज कर लें बेटा मलिक अब्दुल्ला, मैंने कहा ना कंडीशन पूरी ना हो तो फिर वो ड्राई तो देगा देगा ना, या मेकर ड्रॉयर, वो तो देंगे ही देंगे। अच्छा, तो अब फर्ज कर लें कि ये इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट, यानी वलीद या कुछ लोगों से होता हुआ मलिक अब्दुल्ला के पास इंस्ट्रूमेंट है, मलिक अब्दुल्ला के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। मलिक अब्दुल्ला जाते हैं जावेद के पास, जवाद के पास, कि भाई मुझे एसी खरीदना है। जवाद कहते हैं खरीद लो। अब वही कहानी पुरानी कि मलिक अब्दुल्ला कहते हैं मेरे पास पेमेंट नहीं है,
जवैद कहते हैं भेद, कहते हैं मैंने जयान से, या कोई और को नाम ले लो, और नाम कोई भी नहीं है फिलहाल, ये दो नाम तो पक्के रखते हैं ना। मलिक अब्दुल्ला जाते हैं जावेद के पास और कहते हैं केसी खरीदने वो, कहते खरीदो। तो अब मलिक अब्दुल्ला कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। जावेद कहते हैं फिर, कहते मैंने तीन महीने बाद फर्जी एक कोई नाम ले लो, शफकत से पैसे ले। तो जवाद बुखारी कहते हैं ठीक है मुझे इंडोर्स कर दो, मैं शफकत से ले लूंगा। यही होता है ना इंडोर्समेंट में। अब मलिक अब्दुल्ला कहते हैं भाई एक मसला है। जवाद बुखारी पूछते हैं क्या मसला है भाई? मलिक अब्दुल्ला कहते हैं भाई मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, हमारा जो है मसला है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए, अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो मुझे नोटिस नहीं देना, मैं जो है पहले भी बड़ा बदनाम हूँ, या मेरी मजबूरी है, या पहले मेरी दो मंगनियाँ टूट गई ऐसी वजह से। मतलब कहने का मकसद यह है कि मलिक अब्दुल्ला अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर लेते हैं कि भाई डिसऑनर की सूरत में मुझे कोई नोटिस नहीं देना, ठीक। और जावेद बुखारी कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी पार्टी तो है या आगे ड्राई तो है या मेकर भी है, वो कहते हैं ठीक। तो इसको जब मलिक अब्दुल्ला ने इंडोर्स किया और साथ कंडीशन रख दी, बेसिकली ये कंडीशन है, तो मलिक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे कोई नोटिस वोटिस नहीं देना, ठीक। तो इसको हम सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट कर दे कहते हैं। जब भी कोई इंडोर्सर अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर लेता है इन केस ऑफ नोटिस या प्रोसेस, तो उसको हम सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट कहते हैं। क्लियर है या और समझा? जी बेटा जल्दी भी क्विक। साहिब साहब जी ग्रेट ने पहले ही अरेंज कर दिए, गुड ग्रेट साहिब साहब। अच्छा जी तरीन बेटी कहती है कि एक एग्जांपल और दे दें, हम तरीन बेटी पे देते हैं। तरीन बेटी जाती है तूबा के पास, ठीक है, क्या खरीदती है जल्दी बताएं। अच्छा उनसे तूबा से मोबाइल खरीदना है, बड़ा पसंद आया उसको। तो तरीन बेटी जाती है तूबा बेटी के पास कि मुझे आपका मोबाइल खरीदना है, तो कहती खरीद लो, ठीक है। अब तरीन कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तूबा कहती है फिर, वो कहती है कि मैंने दो महीने बाद किसका नाम है आमना जफर है दूसरी, आमना जफर से पैसे लेने हैं। तो तूबा कहती है ठीक है मुझे इंडोर्स कर दो, कोई इशू नहीं मैं ले लूंगी। अब तहरीम कहती है कि एक मसला है, कहती क्या? कहती मेरे अबू या भाई बड़े सख्त हैं, या मेरे जो है होने वाले जो है ससुराल वाले यहाँ रहते हैं, या कोई भी लॉजिक। तू कहती है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो मुझे नोटिस नहीं देना, मैं इसमें कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगी, मुझे कोई नोटिस नहीं देना, ठीक। तो तूबा कहती है इट्स ओके, ठीक है बाकी पार्टी तो है, ठीक है आपको नोटिस नहीं देंगे। तो तहरीम ने या जब भी कोई पार्टी अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर लेती है, ठीक है किसी वजह से, और अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है इस कंडीशन को, मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिकली ये कंडीशन है ऊपर जो आना है ये 6-7 जो है ये सारे उसकी कंडीशन। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंडोर्समेंट को सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट कहते। कोई डाउट? जी हाँ, श्योरिटीशिप में मैंने बताया था कि वो दूसरे उसकी श्योरिटी पे होता है, लेकिन यहाँ ठीक है उस तरफ अगर आप कहते जी।
तहरीर मेटी को क्लियर है, तुबा सबको क्लियर है, आगे चलू। ओके जी, अब आ जाए दूसरे नंबर पे। अब हम वही एग्जाम्पल रखते हैं, मलिक अब्दुल्ला गए थे ना जवाद के पास, ठीक है, और जवाद को कहा था, यहाँ पे तहरीम को नहीं कहा था, हम बॉयज पे रखते हैं। मलिक अब्दुल्ला गए थे ना जवाद के पास, तो मलिक अब्दुल्ला ने कहा था मेरा मसला है तो मैं नोटिस मुझे नहीं देना, तो जवाद बुखारी ने कहा था, ठीक है। अब हुआ ये कि जवाद बुखारी जाते हैं फसी के पास कोई चीज खरीदने, ये इंडोर्स होता रहता है ना, तो जवाद बुखारी फसी के पास जाते हैं कि भाई मुझे आपसे बाइक खरीदनी है, वो कहता खरीदो, वही कहानी। जवाद कहते हैं पैसे नहीं है, फसी कहते हैं फिर कहता है ये 2 या 3 महीने बाद मैंने पैसे देने हैं शख्स उस्मान से, तो फसी कहते हैं कोई मसला नहीं, मुझे इंडोर्स कर दो। अच्छा, जब वो इंडोर्स कर लेगा तो फसी ने देखा सेंस रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, फसी को इस चीज का पता था। फसी कहता है नहीं भाई ये तो मसला है, पिछली पार्टी ने तो सेंस रिकॉर्ड्स किया हुआ है, अपनी लाइबिलिटी खत्म की हुई है। तो अब जवाद बुखारी साहब कहते हैं कि यार छोड़ो कोई बात मसला नहीं, मैं तो हूं ना, ठीक, जो भी मसला आया मेरे पास आ जाना, मैं पैसे दे दूंगा, मैं हूं ना, बाकी छोड़ो सबको। अब जावेद बुखारी साहब यहाँ पे शेर बनते हैं, इससे पहले वो जो था वो उसको आप कह सकते हो कि चूहा कह सकते हो, डरपोक कह सकते हो, अगर यूं याद करना चाहते हो। तो यहाँ पे जावेद बुखारी साहब ने अपनी लाइबिलिटी एक्सटेंड की है। जब कोई अपनी लाइबिलिटी एक्सटेंड करता है, ठीक है, उसको हम फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं, उसको हम फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं। आपने इनको सेंस रिकॉर्ड और जो है फैकल्टेटिव को एक एक नाम से याद करना है। जब लाइबिलिटी एक्सक्लूड करते हैं तो सेंस रिकॉर्ड जाएगा, जब लाइबिलिटी अपनी एक्सटेंड करते हैं तो फैकल्टेटिव आएगा, यानी when the endorser expressly give up some of his rights under negotiable instrument, endorsement is called facultative endorsement. In this case, endorsee's release of his duty to give notice of his dishonor to the endorser. Kisi ko notice nahi dega, direct iske paas aa jayega. The endorser remain liable to endorse for non-payment even though no notice of dishonor has been given. Yani wo kehta hai koi notice dene ki zarurat nahi, kisi ke paas jane ki zarurat nahi, मैं हूं ना, मेरे पास आ। तो याद कैसे करना है, जब लाइबिलिटी एक्सक्लूड करेंगे तो सेंस रिकॉर्ड्स आएगा, जब लाइबिलिटी एक्सटेंड करेंगे शेयर बनेंगे तो फिर फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट आएगा। जी बेटा जल्दी पूछिए, इसमें से कुछ चीज पूछने वाली है, कोशिश तो मैंने बहुत की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। बी क्विक, अच्छा जी क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा जी तुबा कहती है फैकल्टेटिव की एग्जांपल देने। अच्छा गैलेक्सी A51 कहते हैं एग्जांपल दे रहे। अच्छा गैलेक्सी बेटा मुझे नहीं पता आप बॉय हैं या गर्ल हैं, आपने आपके पास इंस्ट्रूमेंट है गैलेक्सी, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, और आप जाते हैं किसके पास जाते हैं, अब नाम भी और है, अकबर के पास, चलो फर्जी नाम कर लेते हैं अकबर के पास। जी वकास आपने हैंड रेज किया, पूछें। ये वकास नया नाम आया मेरे लिए, वकास पूछें जी। जी गैलेक्सी साहब
आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है और आप जो है गैलेक्सी जो है वो जाते हैं तुलसी के पास कि भाई मुझे, तुलसी नहीं है, अकबर के पास, अकबर के पास कि भाई मुझे आपसे ये मोटरसाइकिल खरीदना है या कोई चीज खरीदनी है। वो कहते हैं खरीद लो। अब आप कहते हैं कि ठीक पैसे नहीं है। अकबर कहता है फिर आप कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है। अकबर कहता है कोई मसला नहीं, आप मुझे इंडोर्स कर सो, आप खरीद लो। वो कहता है मुझे इंडोर्स कर दो और खरीद लो। आप कहते हो ठीक हो, लेकिन आप अब कहते हो कि यार एक प्रॉब्लम है, मैं जो है नहीं चाहता कि कोई भी वजह हो सकता है, आपके अबू सख्त हो, भाई सख्त हो, या मोहल्ले में वैसे आपकी रैंक हो, जो भी मसला हो, तो आप कहते हो कि भाई डिसऑनर की सूरत में मुझे नोटिस ना दिया जाए। तो अकबर कहते हैं ठीक, अकबर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट कहेंगे। आपने अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर ली। यहां तक क्लियर है? मैं स्पून से पढ़ा रहा हूं, इसके बाद इसको रिपीट इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत से बच्चे बाद में इतराज करते हैं सर एक बच्चे के लिए आप इतना टाइम, ये तीसरी चौथी एग्जांपल जा रही है, फिर भी समझ ना आया तो रात को व्हाट्सएप पे पूछ लेगा। यहां पे अब मैं मतलब इससे ज्यादा क्या। ओके, अब वो इंस्ट्रूमेंट है अकबर के पास। अब अकबर जाता है जावाद के पास कि भाई मुझे ये चीज खरीदनी है, काओ खरीदनी है कुर्बानी की। जवाब कहता है खरीद लो। अकबर कहता है पैसे नहीं। जवाब कहता है कि कोई मसला नहीं। फिर वही कहानी चलेगी। अकबर कहता है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। जवाब कहता है ठीक है मुझे इंडोर्स कर दो, मैं ले लूंगा। लेकिन जवाब जो है उन्होंने देखा उस पर तो साइंस रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो अकबर को कहते हैं यार उस पर तो साइंस रिपोर्ट लिखा हुआ है, पिछली पार्टी ने अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड की है। अब अकबर कहता है कि मैं हूँ शेर हूँ, ठीक है जी। जावेद बुखारी आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन पूछा करें, बार बार कहता हूँ हैंड रेज करने की बजाय आप क्वेश्चन पूछा। तो अब अकबर ने जावेद बुखारी को कहा कि कोई मसला नहीं, अगर पैसे नहीं मिलते तो किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास आए, मैं जिम्मा उठाता। तो अकबर यहाँ पे शेर बनाए कि ठीक है मैं सबको देख लूंगा, मैं पैसे दूंगा, ठीक। जब आप यानी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, नोटिस देने की भी जरूरत नहीं, वहां पैसे नहीं मिलते तो मेरे पास सीधा आ जाना, मैं पैसे दूंगा। तो जब आप अपने यहाँ पे अकबर ने अपनी लाइबिलिटी एक्सटेंड की है बढ़ाई है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मैं जिम्मेदार हूं, तो ये फैकल्टेटिव इंडोर्स में आ जाए। एक एक वर्ड से पिक करना है। जब आप अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड करते हैं, डरपोक बन जाते हैं, किसी मजबूरी के तहत नहीं चाहते कि मुझे नोटिस आए, वो सेंस रिकोर्स होगा। जब आप शेर बनते हैं कि मैं सबको देख लूंगा, ठीक है मेरे पास आई, अपनी लाइबिलिटी एक्सटेंड करते हैं, वो फैकल्टेटिव में जाएगा। मेरा ख्याल है अब तो जो है ऐसी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी फिर भी पूछो। ओके जी, अब आ जाए एक चीज जो इसमें नहीं लिखी हुई, यहाँ पे साइंस रिकोर्स और फैकल्टेटिव, इसमें एक यहाँ पे अपने पास लिख लीजिएगा फैकल्टेटिव के नीचे साइंस फ्रेज, एस ए एन एस साइंस एफ आर ए आई एस ई फ्रेज इंडोर्समेंट। F R A I S phrase, says phrase endorsement, लिख लिया S A N S says F R A I S phrase endorsement। ये वो सिचुएशन होती है जिस तरह सेंस रिकोर्स है, इसी तरह सेंस फ्रेज भी एक कंडीशन आती है, और वो यूं आती है कि
उससे मिलती जुलती है, सेंस रिकॉर्ड से मिलती जुलती है। कैसे? सेंस रिकॉर्ड में जो कहता है कि मुझे नोटिस नहीं देना, ठीक, लेकिन इसी तरह कोई इंडोर्स करता है और उसमें कहते हैं कि भाई नोटिस वोटिस तो बेशक देते रहना, लेकिन डिसऑनर हुआ, कोर्ट कचहरी के खर्चे वर्चे हुए, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, मैं एक रुपया भी फालतू नहीं लगाऊंगा, ठीक, मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, नोटिस वोटिस बेशक देते रहना, लेकिन मैं कोई एक्सपेंसेस भी नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसी इंडोर्समेंट जब आप सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट लिखते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं कोई एक्सपेंसेस जो है कोर्ट कचहरी के वो बियर नहीं करूंगा, तो ऐसी इंडोर्समेंट को सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट कहते हैं, और ये तीनों पार्ट है कंडीशनल इंडोर्समेंट। क्लियर? Be quick. बेटा अगर सेंस फ्रेज दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है जी, देखिए सेंस फ्रेज का सिर्फ ये था कि फर्ज कर रहे हैं जयान के पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जयान को जो है वो कोई चीज खरीदते हैं, खरीदनी है, तो वो गैलेक्सी के पास जाते हैं या कोई एक नाम ले लो। अब गैलेक्सी से वो कहते हैं कि जी मैंने ये आपसे मुर्गा खरीदना है या कुर्बानी मुर्गे की कर रहे हैं। अच्छा वो कहता है खरीद लो, मुर्गा महंगा पड़ा है, ठीक है, वो कहता है ठीक है खरीद लो। अब जयान कहते हैं पैसे नहीं है, गैलेक्सी कहता है फिर, जयान कहते हैं कि मैंने फिलहाल वही कहानी सारी चलेगी, गैलेक्सी कहते हैं ठीक है, जयान कहते हैं पर एक मसला है, गैलेक्सी कहते हैं क्या, जयान कहते हैं भाई देखो मेरी जो है श्रीमती मेरी बीवी मुझे इतने खर्चा देती है कि मैं रोज का किराया है आने जाने का, फालतू पैसा वो नहीं देती, मुझे एक रुपया भी नहीं देती, बहुत मारती है, ठीक है, तो अगर केस हो जाए तो मेरी तो बीवी मुझे पैसे ही नहीं देती, एक रुपया भी फालतू नहीं देती, तो इसलिए मैं कोई खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं होता, ठीक, मेरी श्रीमती मुझे सिर्फ आने जाने का किराया देती है, एक रुपया भी फालतू नहीं देती, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक, गैलेक्सी कहता है यार तुम तो वैसे ही बहुत मजलूम हो, ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है इंडोर्स कर, तो वो जयान कहता है नोटिस वोटिस बेशक देते रहना, लेकिन पैसा मैं फालतू एक भी नहीं दूंगा, गैलेक्सी कहता है ठीक है, इसको सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट कहते हैं। जी अब भी क्लियर है या नहीं? लाइबिलिटी देखें, अगर उसको जो है सेम रहती है पैसे, तो अगर वो डिसऑनर होता है नोटिस तो मिलेगा, ठीक, और पैसे जिससे उसने जो है अगर इसको देना पड़ते हैं वो दूसरी पार्टी से लेके देगा, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करेगा, उसी अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो पीछे से इंडोर्स किया हुआ है तो उससे लेगा, उसको नोटिस देगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस नहीं। जी बेटा क्लियर है? नहीं है? ओके करें जल्दी। अब
यार जयान को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किसने देने हैं? जयान तो कह रहे हैं कि भाई मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, क्या हो गया गैलेक्सी साहब? जयान तो कह रहा है कि मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन जो कोर्ट के, जो अगर किसानर हुआ, कोर्ट कचहरी के खर्चे जो हैं वो आप लोग बाकी पार्टी बर्दाश्त करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं होता। तो जयान तो पहले ही रो रहा है कि उसकी श्रीमती उसको पैसे ही नहीं देती, सिर्फ आने जाने का किराया देती है और उस बेचारे के पास एक रुपया नहीं होता। तो पहले ही कह रहा है कि मैं एक्सपेंसेस बियर नहीं करूंगा। तो वो जिसको इसको इंडोर्स पता नहीं किसको किया था, आपको किया था, तो आप एक्सपेंसेस या दूसरी पार्टी से एक्सपेंसेस बियर करोगे। जयान ने तो इंडोर्समेंट की इस शर्त पे है कि वो कोई एक्सपेंसेस बियर नहीं करेगा। साहब ये किस लिहाज से पूछना चाहता है कि जयान को किसने देने हैं पैसे, क्यों देगा? जयान तो वैसे ही मजलूम बेचारा, वो पहले ही कह रहा है कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, तो जयान को तो एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। जी जल्दी करें, ये बताएं क्लियर है या नहीं है। ओके ओके ठीक। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट, क्या है नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक का कंसेप्ट ये होता है कि जब नेगोशिएशन एंडोर्समेंट होते होते किसी पिछली पार्टी, प्रीवियस पार्टी के पास आ जाए, किसी प्रीवियस पार्टी के पास आ जाए, तो उसको हम नेगोशिएशन बैक कहते हैं। और जब नेगोशिएशन बैक हो जाए तो जिसके पास आती है उससे प्रीवियस पार्टी की लायबिलिटी खत्म, और अगर जहां से चली थी यानी ड्रायर के पास आ जाती है तो उसको सर्क्यूटी ऑफ एक्शन कहते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मेकर या फर्स्ट एंडोर्सर्स के पास आ जाता है तो उसको हम सर्क्यूटी ऑफ एक्शन कहते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है। कोई डाउट? जी किसी को कोई डाउट है? जी जयान कभी सही मतलब मिली नहीं है, एक एग्जाम्पल दी थी। मिल जाएगी फिक्र नहीं। अच्छा जी हमने बैठी सर, फर्स्ट इंडोर्सर के पास आए तो मेकर की
अस्सलाम वालेकुम बेटा। सारी को नेट का प्रॉब्लम हुआ था, अचानक पता नहीं क्या हुआ था। जी बेटा वापस आ गए। जी बेटा पूछे, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या एमसीक्यूज करे। एमसीक्यूज करें। चलें जी एमसीक्यूज ओपन करें। एमसीक्यूज, अच्छा सामा, नेगोशिएशन बैग का मतलब ये है, देखो ये फसी ने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया था कि नीचे अब बच्चे आते जाएंगे, इनको आप इंडोर्स करते गए, फर्ज किया 10 लोग हो गए। अब 10वां जो था वो फर्ज कर ले जयान था, और जयान ने फसी से, या यानी अगर दरमियान में पांचवें या छठे से कोई चीज खरीदता है तो नेगोशिएशन बैक कराएगी आपसे, या फसी से खरीदता है तो ये 10 का कंप्लीट 10वें से यूं सर्कल लग के आपके पास आया, ये नेगोशिएशन बैक में चला जाएगा। कोई डाउट? सामा क्लियर है? नहीं है? नेगोशिएशन बैक इज ए प्रोसेस अंडर विच एन इंडोर्सर बिकम्स द होल्डर बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी जिसने इंडोर्स किया था उसी के पास, किसी दरमियान में किसी पार्टी के पास वापस आ जाता है। ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द इमीडिएट पार्टीज टू होम ही वाज प्रीवियसली लायबल, यानी जहां पे वापस आता। और आशिर शेख कहते हैं, सर मेरे पास मेरे पेपर्स चल रहे थे तो मेरे पास नेट का भी इशू था, मेरी बहुत सी क्लासेस मिस हो गई, और सर इस इनेगोशिएबल को सर्किट एक्शन कहेंगे। देखिए बेटे, दो बातें सिंपल थी कि आपसे जिससे चला था उसी के पास वापस आता है, जिससे चला था वो सर्क्यूटी ऑफ एक्शन कराता है, दरमियान में किसी के पास वापस आता है तो उसको नेगोशिएशन बैक कहते हैं। अच्छा सर आपके व्हाट्सएप नंबर चाहिए? जी बेटा व्हाट्सएप नंबर मेरा ग्रुप में भी है तो वैसे भी ले ले, ठीक है। 0322-298-2007 किसी बच्चे से भी ले सकते हैं। अच्छा उसामा से कहते हैं, सर अगर मेरा इंडोर्स किया हुआ मेरे पास वापस आएगा तो ये सब बच्चा, अगर तो आपने बनाया है तो फिर आपके पास आता है, फिर तो है ठीक, लेकिन आप 7वें 8वें नंबर पे थे और 20वें के पास चला गया, और 20वें से 7वें 8वें के पास आया तो ये नेगोशिएशन बैक होती। कोई डाउट या अभी भी? सर्कुलर में सर्क्यूटी ऑफ एक्शन होता है, सर्कुलर में सर्क्यूटी ऑफ एक्शन होता है। तो ये क्लियर है? आगे चलूं? ओके क्लियर है। अब निकाले जी एमसीक्यू निकाले। आशिर शेख बेटा ये आपका एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात को भुगत रहा हूं, ये कोई 20-25 बच्चे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, और सबके लिए मैं जो है वो हाथ बांध के बैठा होता हूँ, सारे पूछते हैं तो मैं माना तो किसी को नहीं करता, लेकिन सिर्फ आप नहीं है, 20-25 बच्चे और भी हैं। जी अब आ जाए एमसीक्यूज पे। नंबर वन, जी एमसीक्यूज नंबर वन, व्हेन द सिग्नेचर ऑफ द मेकर ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फोर्स्ड, द पर्सन टेकिंग इट इज इन गुड फेथ। जी वन का क्या आएगा? बी क्विक वन, सिग्नेचर
सारे ही धोखा खा गए माशाल्लाह, आमना सदाकत भी धोखा खा गई। जब फोर्ज हो, याद रखिएगा एक बात हमेशा, जब फोर्ज हो कभी भी वैलिड नहीं। सी आया, सी आएगा, ठीक है। फोर्ज फ्रॉड में चला जाता है, ठीक। फोर्जरी जब कोई करता है, ठीक है, नकली होता है, तो वो हमेशा वन हमेशा सी आएगा, ये क्लियर है। फॉर्जरी मैंने कहा, अगर फिक्टिशियस होता और वो साबित कर देता फिर ठीक था। फ्रॉड में, फॉर्जरी में कभी भी वैलिड नहीं होता। आपने पांच लिखा हुआ, पंद्रह कर दिया या साइन नकली किया है, फॉर्जरी में कभी भी वैलिड नहीं होता, याद रखिएगा। क्लियर? बेटा जिसने लिखा है उसी ने नकली साइन किया और उसको पता ही नहीं है। वाह 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 वाह, ठीक है, ये सी आएगा। अब नंबर टू पे आइएगा। If the funder of last to bill obtain payment, the person who pays in due course, जी, A था, A is liable to all prior parties, gets a valid discharge for it, continues to be liable to the holder who lost the bill, does not get a valid discharge. जी, two क्या आएगा? तुक्का लगाओ। ये बच्चा टू क्या आएगा? जी हाँ, बच्चे ने लिखा है, बच्ची है, ये बच्चा टू बी आएगा। यस, जब किसी के पास टू बी आएगा, गुड। जब किसी को इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, और याद रखिएगा जो वो इंस्ट्रूमेंट जो पड़ा हुआ मिला है, ठीक है, तो जिसको जो वैसे वो नहीं कर सकता पेमेंट, लेकिन आप अगली पार्टी को नहीं पता, तो फिर आप उसको पकड़ के बाद में रिकवर कर सकते हो। लेकिन जिसने दे दिए हैं, अब उसका जो कसूर नहीं था, ठीक। और ये ठीक है, अच्छा टू बी है। अब आ जाए थ्री पे। अ होल्डर नेगोशिएट अ बिल और नोट पेएबल टू बेयरर बाय मेयर डिलीवरी टू बोनाफाइड ट्रस्टी ऑफ वैल्यू द लेटर, जी, acquired conditional title, acquired a good title to it, acquired no title, does not require, जी क्या आएगा? थ्री, यस, बी, थ्री बी, गुड, थ्री बी।
जी बेटा नेक्स्ट आ जाए फोर पे। A bill of exchange which is not expressed to be payable on demand is जी क्या आएगा ए बी सी फोर क्या आएगा फोर सी आएगा गुड जी फोर सी आएगा। अब इसी को समझिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट हटा दो ठीक एक्सप्रेस टू पे एबल ऑन डिमांड इज। अब बताओ क्या होगा, मैं देखता हूं कौन जीनियस बच्चा पिक करता है। अब क्या होगा, डी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा हुआ, डी लिखोगे क्या करोगे, ए कहां से आ गया खुदा के बंदो, ये बच्चा व्हाट्सएप पे ग्रेट यस उसमें ग्रेस डेज नहीं होंगे तो यहां डी ऑप्शन क्या आएगा इसका, नॉट इंटाइटल फॉर एनी डेज ऑफ ग्रेस क्योंकि ऑन डिमांड में डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते। ये तहरीम बेटी अल्लाह जाने पहले कभी कभी ये बहुत अच्छी होती थी, खुदा जाने बेचारी को क्या हो गया, अल्लाह इसके हाल पर रहम फरमाए। अच्छा नेक्स्ट आ जाए जी पांचवा आ जाए फाइव। देयर अ माइनर टेक मेक्स अ प्रोमिसरी नोट फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू हिम, इट इज ओनली हिज स्टेट विच इज लायबल फॉर सच नोट, माइनर इज लायबल इफ दिस सप्लाइज डिड नॉट नो ऑफ हिज माइनॉरिटी, minor is not liable at all, minor is personally liable, G, 5 kya aayega? Ji haan, 5A aayega, good, 5A aayega. Ji, 6 pe aajayega? Holder in due course gets negotiable instrument point A, subject to certain defenses available to previous party, nahi, free from all debts, subject to equalities, equities, G, 6B aega, 6B aega, basi C kyun aega? बस सी सी क्यों आएगा, सिक्स बी आएगा, कोई डाउट, जी हाँ सिक्स बी। सेवन पे आइएगा, वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एंड एडिशन ऑफ द नेम ऑफ बैंकर द क्रॉसिंग इज, सेवन क्या आएगा, जी हाँ सेवन बी आएगा, गुड सेवन बी आएगा। एट पे आइएगा, एन एक्सेप्टेड ऑफ बिल ड्यू बाय अ होल्डर इन ड्यू कोर्स प्लीड द पे इज अ माइनर, दिस प्ली इज जी वैलिड नॉट वैलिड अनलॉफुल अनकंडीशनल, जी एट क्या आएगा, बी नॉट वैलिड, हमारा एक क्यों आएगा भाई, आप उसको ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये तो नहीं कह सकते आप जिससे लिया है वो माइनर है, मैंने कहा ना होल्डर इन ड्यू कोर्स को था हाजी साहब कहना है ना, सवाय फोर्जरी के या इलीगल कंसेशन के, बाकी होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपने आप डिनाय नहीं कर सकते। तो एट
B, not valid. जी, 9 पे आइएगा. An instrument said to be ambiguous if no time of payment is specified in it. It may be considered either a P note or bill of exchange. The amount in figure differs from the amount in words. All of above. G kya aayega? पहले तो बताओ हमने सी क्यों आएगा और जयान डी क्यों आएगा. नाइन के डी क्यों ले रहे हो खुदा के बंदे हो. एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या था बोले बच्चे. ये जो व्हाट्सएप पे 9C बता रहा है ये भी गलत है. 9C नहीं है बेटा, 9B है. जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से बनाते हो अगली पार्टी को चॉइस देते हो कि आपकी मर्जी है मेरे पास आ जाइएगा या जो है किसी का नाम लिखा उसके पास चले जाइएगा. ठीक है, जब चॉइस देते हो कि पी नो कंसिडर कर लो या बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ जाएगा या फलां पार्टी के पास चला जाएगा तो वो उसको हम एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. क्या हो गया अपना सर्कल बेटा अच्छे चलते चलते. ठीक है, देखो तहरीम बेटी ने सही पिक कर लिया, मेरे ख्याल पहला सही पिक किया है. ठीक है, काफी दिनों बाद. ओके लास्ट पे आइएगा 10 पे. क्या था 10? अच्छा हाँ ये अच्छा है. Ghalib accepted for honor a bill of exchange which has been noted and protested for non-acceptance if his acceptance does not express for whose honor it is made then such acceptance is acha point a invalid acha b deemed to be made for honor of the boy deemed to be made for the honor of boyer g for the honor of all g ab kya aayega. 10 आमना बेटा क्या हो गया आपको. ये कहानी तो मैंने समझाया था. 10C आएगा बेटा. मैंने कल समझाया था कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी के ऑनर के तौर पे एक्सेप्ट करते हो और उसका नाम नहीं लिखते that is considered to be accepted, deemed to be accepted for the honor of royal. Amna beti ye kyon nahi aapne pick kiya? Achhe khasi zain beti ho ke ye kaise blunder kiya? Rayan se farma rahe hain fasi ke keh rahe hain tareem beti ne kuch nahi kaha. Sheikh Usman ka gayab ho gaye जी. तो 10C आएगा कि जब भी आप बिल एक्सेप्ट करते हो ऑनररी ऑनर के तौर पे और उस पे मेंशन नहीं करते कि दैट इज एक्सेप्टेड फॉर हुज ऑनर इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉअर. कोई डाउट? अली हमजा जी पूछे बेटा. अली हमजा हैंड रेज किया पूछे. अच्छा यहाँ अली हमजा है वो सर व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दे. मैंने अभी ज्वाइन माशाल्लाह बेटा. बेटा एक दो हफ्ते और रुक जाते तो खत्म हो जाता फिर ज्वाइन कर लेते. चलें जी व्हाट्सएप में सीआर अगर आप देख रहे हो तो अली हमजा से कांटेक्ट कीजिएगा या इस पे अपना नंबर लिख दीजिएगा ताकि ये बच्चा ज्वाइन होना चाहे तो कर ले. सीआर या कोई बच्चा इसको ज्वाइन करवा ले. कोई बच्चा इसका रिस्पांस जयान इस बच्चे का इसको बच्चे को अपना नंबर दे दो.
ताकि या फसी एक दे दो ताकि ये अच्छा जायान ये नंबर नोट कर लो और सीआर अगर है लाइन पे तो ये नंबर नोट कर ले इसको ग्रुप में शामिल कर दीजिएगा ठीक है बेटा कुछ ही जब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी थैंक साहब जी सर थैंक यू सर सो नाइस सर ओके सर अल्लाह अल्लाह।